हेलो स्टूडेंट्स, आज हम संस्कृत वर्कबुक का थर्ड चैप्टर संधि पढ़ेंगे। संधि पढ़ने से पहले हमें उसके कुछ नियम जान लेना चाहिए। यद्यपि हमने संधि कई बार पढ़ी हुई है, हिंदी में भी हम संधि बार बार पढ़ते हैं, तो संधि का ये नियम है कि संधि दो शब्दों की नहीं अपितु दो वर्णों की संधि होती है। जी हाँ, दो वर्णों की संधि से मतलब है कि जैसे विद्या प्लस आलय, इन दोनों में हमें दो शब्द जरूर दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ संधि इन दो शब्दों की ना होकर के विद्या का जो अंतिम वर्ण बड़ा आ है और आलय का जो प्रारंभ का वर्ण बड़ा आ है, उन दोनों वर्णों की ही संधि होती है और दोनों वर्णों के मेल से एक नया शब्द बन जाता है, विद्यालय। तो इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है कि संधि हमेशा दो वर्णों की होती है, दो शब्दों की नहीं। संधि के प्रकार भी हमें पता है कि तीन प्रकार होते हैं। पहला स्वर संधि होती है, दूसरी व्यंजन संधि और तीसरी विसर्ग संधि। स्वर संधि के पांच भेद कहे गए हैं, ठीक, जिनके नियमों की चर्चा हमने हिंदी विषय आदि में कर ली होगी। चलिए सीधे एक्सरसाइज करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि रेखांकित शब्दों के संधि विच्छेद विकल्पों से चुन करके लिखना है। सबसे पहला है सोमेंद्र। तो देखिए, सोमेंद्र में सही आंसर होगा ख नंबर का, सोम प्लस इंद्रा, ठीक। इसे यदि हम देखें तो स्वर संधि के अकॉर्डिंग गुण संधि बन जाएगी, सोम प्लस इंद्रा। सेकंड नंबर में है गिरीशा। गिरीशा में हम देखेंगे कि गिरीशा में गिरी प्लस ईशा, घ नंबर का ये सही होगा, गिरी प्लस ईशा। हाँ, इसको हम देखें कि ये स्वर संधि के अकॉर्डिंग दीर्घ संधि में आएगा, क्योंकि देखिए रा में छोटी की मात्रा है और इधर बड़ी ई है, तो जब दोनों ई मिल जाती है तो गिरीशा में देखिए बड़ी ई का प्रयोग किया गया है, गिरीशा, ठीक, गिरी की छोटी ई ऑटोमेटिक बड़ी हो गई। थर्ड नंबर है सुरेशा। सुरेशा में संधि बनेगी शुर प्लस ईशा, सुरेशा। यहाँ आ और ई मिल करके ए बन गया है, अर्थात गुण संधि के अकॉर्डिंग ये सुरेशा संधि यहाँ बनी हुई है। नेक्स्ट संधि है नरेंद्रा। नरेंद्रा में नर प्लस इंद्रा, ठीक, ये नर प्लस इंद्रा भी गुण संधि के अकॉर्डिंग ही हुई है, क्योंकि यहाँ आ और ई मिलकर के ए बन गया है, ठीक। चलिए नेक्स्ट संधि देखते हैं, नायका। नायका का सही संधि विच्छेद होगा नय प्लस अकह, ये गुण संधि के अकॉर्डिंग अयादि संधि का ये नियम है कि अय को आय हो जाता है, इस प्रकार से नय के अय को आय हो जाने के कारण ये नायका यहाँ पर संधि बन जाती है, ठीक। नेक्स्ट सेकंड नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों से संधि युक्त शब्द छांटकर संधि का नाम भी लिखिए। तो देखिए, सबसे पहले हम संधि का नाम छांट लेंगे, तो इसमें देखिए मम विद्यालय अशोक विहारे अस्ति, तो इसमें से संधि वाला शब्द है विद्यालय, और विद्यालय है तो विद्यालय ये संधि वाला शब्द हो गया है। अब हमें संधि का नाम भी लिखना है, तो यदि हम चाहें तो इसकी विच्छेद भी कर सकते हैं, तो विच्छेद बनेगा हमारा विद्या प्लस आलय, ठीक, और विसर्ग रखा है तो आलया हो जाएगा। और संधि का नाम बताने के लिए भी कह रहे हैं कि संधि का नाम लिखिए, इसमें कौन सी संधि आएगी, तो दीर्घ स्वर संधि। कौन सी संधि आ रही है, दीर्घ स्वर संधि, ठीक, बड़ा आ और बड़ा आ मिलकर के बड़ा आ हो गया है, इसलिए विद्यालय बन गया है। नेक्स्ट देखिए गिरीशा, क्या आया है गिरीशा, तो गिरीशा का संधि विच्छेद में अभी अभी हमने ऊपर देखा था, ठीक, गिरीशा, देखिए ये लिखा हुआ है थर्ड नंबर में गिरीशा, और गिरीशा का संधि विच्छेद हमने देखा था गिरी प्लस ईशा। अब इसमें संधि का नाम और लिखना है कि कौन सी संधि है, तो यहाँ पर हो जाएगी गुण संधि, गुण स्वर संधि, तो हम यहाँ पर गिरीशा ये लिख देंगे संधि विच्छेद करके, और इसमें संधि का नाम लिख देंगे गुण स्वर संधि, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में थर्ड नंबर में देखिए हमें संधि दिख रही है सदैव। सदैव इसका संधि विच्छेद
होगा सदा, ठीक, एक फिर से कर लेते हैं इसका संधि विच्छेद, सदा प्लस एव, और संधि का नाम इसमें संधि कौन सी होगी, वृद्धि संधि, ठीक, ये स्वर संधि के अकॉर्डिंग ही आती है वृद्धि संधि, ठीक। नेक्स्ट है भानुदय, भानुदय का संधि विच्छेद होगा भानु प्लस उदयहा, ठीक। देखिए ऊ और ऊ, छोटा ऊ मिलकर के दोनों यहाँ बड़े ऊ हो गए हैं भानु में, इसका मतलब है यहाँ कौन सी संधि है, दीर्घ स्वर संधि, ठीक। चलिए नेक्स्ट है हितोपदेशा, हितोपदेशा का संधि विच्छेद होगा हित प्लस उपदेशा, हित प्लस उपदेशा। देखिए अब यहाँ आ और ऊ मिलकर के ओ बन गया है, इसका मतलब है यहाँ कौन सी संधि है, गुण स्वर संधि, ठीक, गुण स्वर संधि के अकॉर्डिंग हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं थर्ड नंबर का क्वेश्चन, रेखांकन शब्दों का संधि विच्छेद करके वाक्यों को पुनः लिखिए। तो यहाँ पर वाक्य तो अंडरलाइन किए ही गए हैं, जैसे पवनहा, तो पवनहा का संधि विच्छेद होगा पो प्लस अनहा, ठीक। ये अयादि संधि के अंतर्गत ओ को अब हो जाता है, इसलिए वो पवनहा बन जाता है। नेक्स्ट है नायका, नायका का संधि विच्छेद होगा नय प्लस अकाह, ये भी अयादि संधि के अंतर्गत आय को आय हो जाने से नायकः बन जाता है। नेक्स्ट है यथोचित, यथोचित का बनेगा यथा धन उचित, ये गुण संधि के अकॉर्डिंग आ और ऊ मिलकर के ओ हो जाता है, इसलिए यहाँ यथोचित बन जाता है। नेक्स्ट है तवैव, तवैव का यहाँ पर हम विच्छेद करेंगे तो बनेगा तव प्लस एव, ये वृद्धि संधि के अकॉर्डिंग आता है, इसमें ए को आय हो जाता है, अर्थात दो मात्राएं हो जाती हैं। नेक्स्ट है बधूत्सव, बधूत्सव में बधू प्लस उत्सव, यहाँ पर देखिए छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलकर के बड़ा ऊ बन गया है, इसका मतलब है यहाँ दीर्घ स्वर संधि लगी हुई है, ठीक। चलिए नेक्स्ट फोर्थ नंबर में देखते हैं कि निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़कर रेखांकित शब्दों के स्थान पर संधियुक्त शब्द लिखिए। तो सिर्फ हमें संधियुक्त शब्द लिखना है, जैसे कि देखिए महती प्लस इच्छा, देखिए दोनों में ई है तो हम दीर्घ संधि से बड़ी ई ही कर देंगे, तो हमारा यहाँ पर शब्द बनेगा महतीक्षा, क्या बनेगा, महतीक्षा। इस प्रकार से हम ता को बड़ी ई में लिख देंगे। देखिए रविंद्र, दोनों में फिर से ई आ गई है तो इसका मतलब है रविंद्र, बड़ी का प्रयोग करते हुए रविंद्रहा, ये बन जाएगा। इंदु प्लस उदया, इसमें देखेंगे दोनों में ऊ आया है, इसका मतलब है कि हमें दीर्घ स्वर संधि से बड़ा ऊ कर देना है, तो इंदु इंदुदया, क्या बन जाएगा, इंदुदया, ये दीर्घ संधि के अकॉर्डिंग हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है नर प्लस ईशा, अब यहाँ आ और ई दोनों हैं तो गुण संधि के नियम से यहाँ पर बन जाएगा नरेशा, ठीक, आ और ई मिलकर के क्या हो जाता है, ए हो जाता है। नेक्स्ट है महा प्लस इंद्रा, यहाँ भी आ और ई मिलकर के ए हो जाएगा तो संधि हमारी बनेगी महेंद्रा, ठीक। इस प्रकार से ये फोर्थ नंबर में हम विच्छेद को संधि के रूप में परिवर्तित कर देंगे। नेक्स्ट है विकल्पों से उचित उत्तर चुनकर लिखिए, रत्न प्लस आकरहा, रत्न प्लस आकरहा में सीधा है रत्नाकरहा, ये जो ग नंबर की है ये बन जाएगी, यहाँ पर देखिए दोनों में आ आ है इसलिए दीर्घ स्वर संधि के अकॉर्डिंग रत्नाकरहा, ये हमारा सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, मुनि प्लस इयम, इसमें भी घ नंबर का आंसर हो जाएगा मुनियम, दोनों ई को यहाँ पर एक ध्यान रखना, मुनि प्लस ईम में मुनियम, अच्छा विसर्ग लगा करके रखा, यदि विसर्ग नहीं होता तो मुनियम बन जाता, लेकिन फिर विसर्ग होने से ये मुनियम नहीं बनेगा, यहाँ विसर्ग होने से मुनि प्लस ईम तो बनेगा मुनीरियम,
क्या बनाएंगे हम इसमें, मुनि रियम, ये खा नंबर का आंसर हो जाएगा। थर्ड में है ने प्लस अनम, ठीक। अब ने प्लस अनम में हम देख रहे हैं अंतिम वर्ण ए और आ है, तो इसमें अयादि संधि के अकॉर्डिंग नयनम हमारा बन जाएगा, क्योंकि ए को अय हो जाता है इसलिए नयनम संधि बन जाएगी। फोर्थ नंबर का नियम है यदि प्लस अपि, सीधा सा ये यद्यपि बनेगा, ठीक। यदि प्लस अपि ये यण संधि के अकॉर्डिंग बनेगा। नेक्स्ट है जगत प्लस ईशा, जगत प्लस ईशा का हमें पता है जगदीशा बनेगा, इसलिए ये खा नंबर का आंसर हो जाएगा जगदीशा, ठीक। चलिए नेक्स्ट संधि सत प्लस जनह, सत प्लस जनह में हमें पता है सज्जनह बनता है, लेकिन सही सज्जन कौन सा है, सज्जनह। सत प्लस जना, ता को भी जा हो जाता है, वो है सज्जनह, ठीक। नेक्स्ट है कह गच्छति, कह गच्छति में विसर्ग को ओ हो जाता है इसलिए को गच्छति बन जाता है। सर्वे अत्र, सर्वे अत्र में ग नंबर का आएगा सर्वेत्र, ए के बाद जब छोटा आता है तो उसको इस प्रकार का एस साइन बना दिया जाता है, इसलिए आंसर होगा सर्वेत्र, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं से प्लस अनम, देखिए वही है सेम से प्लस अनम। अब से प्लस अनम में यहाँ पर अयादि संधि लगेगी, तो ए को अय हो जाने से यहाँ बन जाएगा सयनम, ए को अय होने से क्या बनेगा सयनम, किस संधि के अकॉर्डिंग बनेगा, अयादि स्वर संधि के अकॉर्डिंग। बी प्लस आपता, बी प्लस आपता में यहाँ देखिए यण संधि घटित हो रही है, यण स्वर संधि, आंसर आएगा व्याप्ता। ई को या हो जाने से, छोटी ई को या हो जाने से हमारा जो आंसर है संधि है वो यण संधि के अकॉर्डिंग व्याप्ता सही आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों को संधि विच्छेद कीजिए, ठीक। तो देखिए नयनम अभी अभी हम करके आए हुए हैं, ने प्लस अनम, अयादि संधि के अंतर्गत ए को आय हो जाने से नयनम बन जाएगा। नेक्स्ट है सुरेशा, सुरेशा का विच्छेद होगा सुर प्लस ईशा, ठीक, गुण संधि के अकॉर्डिंग ये सुरेशा बन जाएगा। सत्यानंदा, सत्यानंदा का क्या होगा, सत्य प्लस आनंदा, ठीक, ये दीर्घ स्वर संधि के अकॉर्डिंग सत्यानंदा, दोनों में आ है इसलिए एक बड़ा आ हो जाएगा, तो सत्यानंदा बन जाएगा। नेक्स्ट है नदीब, नदीब में हम देखेंगे नदी प्लस इव, तो दोनों में ई होने से बड़ी ई आ जाएगी, इसलिए यहाँ भी दीर्घ संधि के अकॉर्डिंग नदीब बन जाएगा। ते प्लस अपि, हमने आपको बताया था कि ए के बाद यदि छोटा आए तो उसको अवग्रह एस एस जैसे साइन में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ते अपि, ठीक, ते पी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सेवन नंबर का क्वेश्चन, इसमें पूछ रहे हैं कि कोष्टक में दिए गए शब्दों की संधि करके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखिए परी प्लस शिक्षा, दोनों में ई है इसलिए परीक्षा की राह में बड़ी ई हो जाएगी, दीर्घ संधि के अकॉर्डिंग परीक्षा जब हम लिखेंगे तो राम में बड़ी की मात्रा आ जाएगी। क्रिया प्लस आत्मका, देखेंगे आप दोनों में बड़ा है, तो जैसे हमने विद्यालय बनाया था वैसे ही हम बना देंगे क्रियात्मका, एक ही बार बड़ा या कर देंगे और हमारी संधि बनेगी क्रियात्मका, ठीक। नेक्स्ट है शिष्ट प्लस आचरम, देखिए फिर से दोनों में आ है, तो शिष्ट प्लस आचरम का जब हम संधि करेंगे तो कर देंगे शिष्टाचारम, क्या बनेगा शिष्टाचारम, ठीक। नेक्स्ट है धृति प्लस उत्साह, ठीक, देखिए हमें कठिन शब्दों से नहीं घबराना है, हमें तो बस जहाँ दो वर्ण आपस में मिल रहे हैं उन दोनों वर्णों को खोज करके उनके संधि का नियम देखना है। तो यहाँ पर संधि है धृति प्लस उत्साह, छोटी ई है और छोटा ऊ है, ठीक, छोटी ई और छोटा ऊ, तो यण संधि के अकॉर्डिंग छोटी ई को या हो जाएगा, और छोटी ई को जब या हो जाएगा तो इस प्रकार से धृत्य हो जाएगा, और इसमें उत्साह का ऊ मिलेगा तो धृत्युत्साह युक्ता, ठीक, पूरा शब्द सेम वैसा का वैसा ही लिख दिया जाएगा। और अंत लास्ट वाला है युक्त प्लस आत्मा, देखिए दोनों में आ है तो ये तो बिल्कुल सरल है, दीर्घ संधि के अकॉर्डिंग युक्तात्मा,
इसका आंसर हो जाएगा युक्तात्मा। जैसे विद्यालय हमने बनाई थी, या देव प्लस आलय देवालय जैसे बनता है, वैसे युक्त प्लस आत्मा युक्तात्मा आंसर हो जाएगा। चलिए अंतिम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें हमें कुछ अंडरलाइन करके शब्द दिए गए हैं, इनका हमें विच्छेद करना है। तो सदाचारी में सीधा सीधा है सदा प्लस आचारी, सदा प्लस आचारी हमारी संधि हो जाएगी सदाचारी। नेक्स्ट है परोपकारी, परोपकारी में परा उपसर्ग है और उपकारी शब्द है, तो हमारी संधि बनेगी परोपकारी। सर्वेश्वरस, सर्वेश्वरस में सर्व प्लस ईश्वरस, सर्व प्लस ईश्वरस, गुण संधि के अकॉर्डिंग ई को ए हो जाने से सर्वेश्वरस संधि हमारी बन जाती है। ठीक, नेक्स्ट है तीर्थाटनम, तीर्थाटनम बिल्कुल सरल है, तीर्थ प्लस अटनम। ठीक, तो दोनों में छोटा होने के कारण बड़ा कर दिया, तो तीर्थाटनम, इस प्रकार से दीर्घ संधि के अकॉर्डिंग ये तीर्थाटनम बन गया। और विद्यालय, ये तो सबसे सरल संधि ही है जो कि हमने स्टार्टिंग में देखी थी, वो हमें सबसे लास्ट में मिल गई, विद्या प्लस आलया, इस प्रकार से विद्यालय, ये संधि हमारी यहाँ पर पूर्ण होती है। इस प्रकार से संधि के नियम को सही से याद कर करके, एक एक नियम को समझ करके हमें इन संधियों को समझना है। इसी के साथ